सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सोचा मेरे बारे में। नहीं है मेरे अंदर दिल, जब ऊपर वाला बना रहा था ना, तो दिल के बदले पत्थर दिया इस सीने में, पत्थर, और उस पत्थर में खूब सारा आग भरा, ताकि इस जमाने के लोगों का नफरत, प्यार, गुस्सा, सारी चीजों को जला के राख कर दे। ठीक कहा आपने, हम किसी के प्यार की कद्र नहीं करते, हम किसी के डांट की कद्र नहीं करते। हम पे कोई गुस्सा करे, प्यार करे, नाराज रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया, ये पूरी दुनिया ने हमें सिर्फ मुस्कुराता देखा है, लेकिन हमारे आंसू, हमारी तकलीफ, ये किसी को नजर आता ही नहीं है। ऐसा चेहरे पर मुस्कान रखने वाला आदमी असल जिंदगी में क्या है? उसको एक बार तो कोई समझो, उसको एक बार तो कोई पहचानो। कोई नहीं पहचानता। अरे सब दिखावटी, दर्द तो किसी का समझते नहीं, तकलीफ तो किसी की देखते नहीं, बस अपनी बोलो, अपनी देखो, अपनी दुनिया में ही सब खुश रहो। अगर हिम्मत है ना, तो किसी के दर्द को देख कर देखो कि एक खुश रहने वाला इंसान अपने अंदर कितनी तकलीफ, कितने दर्द लेकर चलता है, एक कड़वा बोलने वाला इंसान कितना दर्द, कितना तकलीफ लेकर चलता है। अब मैं नहीं हूं दूसरों जैसा, नहीं आता है मुझे प्यार जताना, नहीं आता है मुझे प्यार दिखाना, नहीं आता है मुझे फेक स्माइल करना, नहीं आता है मुझे ये सब, क्योंकि मेरा दिल जानता है जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ, यहाँ यहाँ रखता हूँ यहाँ, और जिन लोगों को नफरत करता हूँ ना, यहाँ तो क्या, यहाँ 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 मेरे आंसुओं पर भी कोई जगह नहीं रहती। पर प्यार करने वाला कहाँ समझे प्यार हमारी, प्यार करने वाला तो बस दिखावा देखता है ना, बस चार बातें प्यार से बोलो, कैसे कैसे कोई बोल सकता है चार बातें प्यार से, जिसको इस पूरी दुनिया ने इतनी तकलीफ दी हो, कैसे बोल सकता है? किसी के आंसू भी इस दुनिया के कड़वे शब्द, कड़वे बोल से पत्थर बन जाते हैं, और वो इंसान स्ट्रांग हो जाता है फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। इसीलिए उसका प्यार किसी को नहीं दिखता, बस दिखता है उसकी गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसकी नफरत, पर उसके आंसू देखने की हिम्मत, अरे सालों किसी में नहीं है। है तुम लोगों में किसी के आंसू, किसी की तकलीफ देखने है तो बोलो। जाते जाते एक बात साहब जी, जो भी गलती हुई हो, जो भी बोला, उसके लिए माफ कर दो, पर हर पत्थर दिल वाला अंदर से पत्थर नहीं होता, उसको इस जमाने ने बनाया होता है। हम भी कभी मुस्कुराते थे, चार बातें करते थे, लोगों को अपना बनाते थे, अपना समझते थे, सोचते थे कि सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वही सब लोगों ने मुझे इतना अकेला कर दिया कि अब कोई अपना ही नहीं दिखता, बस लोग आंसू नहीं देखते, तकलीफ नहीं देखते, कुछ भी बोल कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते कि इस इंसान पर क्या गुजरेगी, इस इंसान को इस टाइम क्या फील हो रहा है। बस बस आप जी, यही है मेरी कहानी, यही सब हालात से लड़ते लड़ते आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। ये दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्या सोचती है, क्या करती है, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। आप जी, आंसू पर मत जाना, ये आंसू नहीं है मेरे, ये तो अंगार है, अंगार, अगर इसको कोई भी छुए जल जाएगा।